student. My name is Solanki Vinabhai. Today I am going to teach you subject Hindi in standard 6. Today I am teach you lesson 8, Raja ka hissa. यानी के उसके जो आगे मैंने आपको वीडियो में बताया आधा लेसन, अब आधा लेसन आपको इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि क्या है इसमें. तो सुनिए, उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी. क्षमा यानी माफी. राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए. उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई. अच्छी फसल होना यानी कि बहुत असल ज्यादा अनाज पैदा होना. उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा. आश्चर्य का ठिकाना न रहना यानी कि बहुत आश्चर्य होना. जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मानो इनके मोती जैसे उगे थे. बाकी के हिस्से के बाद में उंदा उत्तम किस्म के गेहूं उगे थे. किस्म यानी उत्तम प्रकार के गेहूं उगे थे. किसान बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो ज्यादा अन्न पैदा हुआ था. इसलिए किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचे. कहाँ गए? राजा भोज के पास. कौन? किसान. उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया कि आपने जिस जगह को अपने खेती में आप बैल की जगह थे उस जो जगह में बहुत अच्छी फसल हुई. राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे, इन पर तुम्हारा ही हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो. नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, परिणाम इनके फल है. परिश्रम महीना, इसीलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा. मेरी प्रार्थना है, प्रार्थना आज ही जी, कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले. लेकिन राजा का जो रखा के राजकोष यानी कि जो राजा का जो अन्न रखा हुआ है जा कोठार में और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले. किसान ने प्रार्थना की. किसने की? किसान ने. किसके सामने? राजा के सामने. किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें मोती स्वीकार कर लिए. तो विद्यार्थी मित्रों, ये आप हमारा लेसन पूरा हुआ. और जो ब्लैक बोर्ड में जो लिखा है मैंने क्वेश्चन आंसर वो सुनिए. इसमें क्या है कि राजा बोध प्रजा की कठिनाइयों का पता कैसे लगाते थे. आंसर वन, राजा बोध स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों का पता लगाते थे. टू नंबर, किसान ने हल में पत्नी को क्यों जोता था हल में. तो आंसर टू, किसान ने हल में पत्नी को जोता था क्योंकि उसका एक बैल मर गया था और बैल खरीदने के लिए उसके पास धन नहीं था यानी पैसे नहीं थे. क्वेश्चन थ्री, किसान राजा का बैल के लिए खुद तैयार क्यों नहीं हुआ. आंसर थ्री, किसान राजा का बैल लाने के लिए खुद तैयार नहीं हुआ क्योंकि राजा का बैल आने तक अपना काम रोकना उसे मंजूर नहीं था. क्वेश्चन नंबर फोर, राजा बोध स्वयं किसान दो हल में जुटने को क्यों तैयार हुए. आंसर फोर, राजा बोध स्वयं किसान के हल में जुटने को तैयार हुए क्योंकि किसान नहीं चाहता था कि राजा का बैल आने तक उसका काम रुक जाए. तो विद्यार्थी मित्रों, ये मैंने आपको क्वेश्चन आंसर सुनाए, लेसन भी पूरा किया और आपको ये होमवर्क में कॉपी में लिखना है और वर्कबुक में भी फिलअप करना है. थैंक यू.